बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। कुछ नई अपडेट्स हैं इटली के बारे में। एक तो आपको ये बताता चलूँ कि इटली के ओवरऑल हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। कोरोना जो है वो तकरीबन आखिरी दमों पे है, एंड पे है। वैक्सीन काफ़ी तेज़ी के साथ लगाई जा रही है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला डे बाई डे मज़ीद बेहतरी आएगी। दो नई अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक इटली की और एक यूरोपीय यूनियन की ओवरऑल, जो कि इमिग्रेंट्स पे काफ़ी बड़ी इफ़ेक्ट होगी। पाकिस्तानियों के लिए ये है कि जो पाकिस्तानी अब जाना चाहेंगे पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने के लिए, तो उनको अब कर्तव्य से निजात मिल जाएगी, क्योंकि उनको वैक्सीन लगा के भेजा जाएगा। दोनों डोज जो है उनको लगेंगी, उसके बाद वो जा सकेंगे। उससे क्या होगा कि उनको इस तरह के मसले मसाइल से बचना जो है उनके लिए मुमकिन होगा, कि वहाँ पे उनको करता ही किया जाएगा। उसके साथ साथ वहाँ पे, क्योंकि इस वक्त वायरस काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, इस खतरात की वजह से इटली की हुकूमत ने ये अहम फ़ैसला किया है। बिलाशुबा ये एक अच्छा फ़ैसला और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ जो दूसरा अहम फ़ैसला वो है यूरोपियन अदालत इंसाफ जो है, जो सेंट्रल यूरोप में ब्रसल्स में वाक़ है, उसका एक बहुत अहम फ़ैसला इमिग्रेंट्स के हक में आया। वो ये है कि नॉर्वे में से कुछ लोगों के असाइलम जो है वो रिजेक्ट किए गए थे, तो असाइलम रिजेक्ट होने की वजह से उन्होंने दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाके अप्लाई किया था, तो उनके असाइलम रिजेक्ट कर दिए गए डबलिन एग्रीमेंट के मुताबिक, कि आप लोगों के ऑलरेडी नॉर्वे से असाइलम रिजेक्ट हो चुके हैं, इस वजह से आपको दोबारा से असाइलम नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जो यूरोपियन अदालत है, अदालत इंसाफ, उसके साथ रुजू किया और उसका तफसीली फ़ैसला जुमे वाले दिन आया है। फैसले में कहा गया है कि सिर्फ इस वजह से दोबारा केस जमा करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी असालम के किसी और मुल्क में असालम रिजेक्ट हुए हैं या पहले जमा हुए हैं, उनके असालम को दोबारा देखा जाए और दोबारा उस पर जो है काम किया जाए। हर मुल्क का अलहदा अलहदा असालम सेकल को चेक करें। ये एक बड़ी पेशरफ्त है नए यूरोपियन असाइलम पैक्ट के बारे में, जो कि आने वाला था, लेकिन अदालत के हुक्म के बाद उस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो चुकी है। ये एक अहम पैक्ट है जिसके बाद वो मुल्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा असाइलम सीकर आते हैं, जैसे इटली हुआ, स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुए, तो वहाँ पे अगर असाइलम सीकर अप्लाई कर भी देते हैं असाइलम, तो उनके लिए लाजम नहीं होगा जिस तरह पहले था कि उसी मुल्क में रहें, उसी मुल्क में असाइलम अप्लाई करें, और वहाँ से वो निकल नहीं सकते थे, लेकिन अब नए यूरोपियन असाइलम पैक्ट के मुताबिक उनको आज़ादी होगी। ये पैक्ट आने करीब इम्प्लीमेंट होने वाला था, लेकिन अदालत के हुक्म के बाद इस पे अमल दरामद शुरू अब करना पड़ेगा, क्योंकि इस हुक्म का मतलब वही है जो कि यूरोपियन असाइलम पैक्ट में कानून दर्ज है। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है जिसके बाद जो है तमाम इमिग्रेंट्स असाइलम सेकर्स फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि इटली एक मोस्ट असाइलम सेकर रेफ्यूजी कंट्री है, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। और हमारी कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया, रेफ्यूजी अप्लाई की है, वो भी इस कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इटली पसंद ना आए तो जर्मनी जा करें, जर्मनी ना आए नॉर्वे करें, नॉर्वे ना आए तो हॉलैंड करें, बेल्जियम करें, फ्रांस करें, अब कोई भी किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।